हाउ मेनी 31 इंक्लूडिंग मींस टोटल 30 स्टूडेंट्स फाइन. चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया था हमने. सी अगेन चैट बॉक्स हाइड हो गया है. एनी प्रॉब्लम यू हैव व्हाई दिस हैपन नाउ आई डोंट नो. मुझे तो चैट बॉक्स चाहिए अदरवाइज मुझे लिंक नहीं बैठती है. आप लोग के साथ एक इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर मी अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो. Yes, if you have any problem, you just tell me because whenever you have problem, because अभी chat box run नहीं हो रहा है, ठीक है? Chat box run नहीं हो रहा है, maybe next इसमें chat box run हो जाए, तो आप just बता देना, ठीक है? जब कभी मैं आपको question पूछूंगी, तो otherwise मैं meeting को close कर दूंगी, आप देखते बैठो, फिर आपको पढ़ना कैसे, ठीक? अब last class में नो चैट बॉक्स इज नॉट रनिंग. चलो जाने दो. यस यस एवरीथिंग इज फाइन. चलो ओके लास्ट क्लास में हमने देख लिया था. हाँ एनी वन फ्रॉम यू एक कोई रिप्रेजेंटेटिव जो कि यस कहे. सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है? शैल वी गो फॉर दैट? यस एनी वन? तिलक? यस मैम. ठीक ना? यस बच्चों कोऑपरेट करना बिकॉज यहाँ पे मेरा चैट बॉक्स रन नहीं हो रहा. यस मैम. ओके ओके सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है गर्ल आपको पता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आल्सो डिस्कस्ड. उसके बाद उसका अल्ट्रास्ट्रक्चर भी देख लिया था हमने. ये सब कुछ हो गया था ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन राइट नाउ टुडे मींस व्हाट अब इवनिंग फोकस करते हैं फंक्शंस पे. सी फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम कहाँ से आने हैं तो फंक्शन से ही आएंगे ठीक है. फर्स्ट फंक्शन इज वेरी कॉमन. ऑब्वियसली वी नो दैट कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम. सो राइबोसोम में तो प्रोटीन सिंथेसाइज तो वो करेगा. ऑब्वियसली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन है और वो जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम बाइंड होता है. मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सरफेस इज प्रोवाइड अ सरफेस फॉर राइबोसोम बाइंडिंग. दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन ठीक है. उसके बाद के फंक्शंस देख. इट प्रोवाइड अ प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम इन द गोल्गी बॉडी. चलो बताती हूँ क्या कह रहे हैं. प्रीकर्सर एंजाइम की बात चल रही है. प्रीकर्सर एंजाइम मींस बेसिक एंजाइम. क्या कहेंगे हम उसको? बेसिक एंजाइम कहेंगे. अर्लियर व्हाट हैपन ना इफ दिस इज योर न्यूक्लियस. इफ दिस इज अ न्यूक्लियस दीज आर द योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. These are your rough endoplasmic reticulum and somehow here your smooth endoplasmic reticulum is there. जो कुछ tubular portions होते हैं ना इस type से होते हैं कुछ ठीक है. हाँ these are your smooth endoplasmic reticulum. But apart from that here वो stack like एक के ऊपर एक ऐसे arrange कर सकते नहीं करते हम books को वैसे कोई stack arranged. अब मैं सिर्फ stack ही कहूंगी. इसको सिस्टर्नी भी कहा जाता है. इसको भी कहते हैं पर मैं अभी उस वो वर्ड यूज नहीं करूंगी. इसको कहते हैं गोल्गी एपरेटस. इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें भी हमने सिस्टर्नी की बात की थी. और ये है आपका स्मूथ. स्मूथ से तो हमें फिलहाल काम नहीं है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्वियसली हैविंग राइबोसोम. हैविंग राइबोसोम तो दैट राइबोसोम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. Yes, but these proteins are very initial protein. Initial protein होते हैं जो कि enzyme में convert होते हैं. पर वो enzyme क्या होते हैं? Basic enzyme होते हैं. What we can say? It's a basic enzyme. Basic means उसमें further modification की जरूरत है. अभी वो enzyme इतने ज्यादा mature नहीं हुए हैं.
मैच्योर नहीं हुए कि वो फाइनल एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए. आरईआर का सिर्फ इतना फंक्शन था बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. आरईआर क्या करता है, एंजाइम बनाता है, उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस भी करता है, थोड़ा बहुत उसको चेंज मॉडिफाई करता है, थोड़ा बहुत उसमें क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, स्टेबिलिटी लाता है, थोड़ा एक्टिव करने की कोशिश करता है. बट मैक्सिमम एक्टिवेशन, मैक्सिमम प्रोसेसिंग, मैक्सिमम मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन गोल्गी बॉडी. इन गोल्गी बॉडी प्रोसेसिंग मॉडिफिकेशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, गोल्गी एपरेटस में होता है या गोल्गी बॉडी में होता है. तो ऑब्वियसली ये गोल्गी बॉडी को क्या दे रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी को क्या दे रहा है, एक प्रिकर्सर एंजाइम दे रहा है जिसको हम बेसिक एंजाइम कहते हैं. एक प्रीकर्सर एंजाइम दे रहा है, इनिशियल एंजाइम दे रहा है जिसको हम बेसिक एंजाइम कहते हैं, जिसका फर्दर प्रोसेसिंग कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस करेगा. हाँ, तुमने मुझे प्रोटीन दिया है क्या, ये एंजाइम दिया है क्या, प्रोटीन कंबाइंडली फॉर्म ऑफ एंजाइम, ठीक है, एंजाइम दिया है क्या, ठीक है, मैं इस एंजाइम में ऐसे कोई मॉडिफिकेशन करता हूँ कि सो दैट आगे जाके जिसको भी मैं दूंगा इस प्रोटीन को, वो प्रोटीन वहां इसको जिसको भी मैं वो एंजाइम दूंगा, ऑब्वियसली एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो एंजाइम में दूंगा किसी को तो वहां पे वो फाइनली मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाए, फंक्शनल हो. तो गोल्गी एपरेटस आगे किस किस को दे सकता है, गोल्गी एपरेटस आगे आगे आरईआर से होके प्रोटीन गोल्गी में आएगा, गोल्गी एपरेटस से होके एक तो वो लाइसोसोम में फ्यूज हो सकता है, अदरवाइज वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड हो सकता है, अदरवाइज वो बाहर जा सकता है सेल के बाहर, सेल के आउटसाइड में, हमने पढ़ा था, ठीक है. तो मुझे बताना कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है, जो लाइसोसोम के अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो कैसे बने होंगे, वो ऐसे ही तो बने होंगे, आरईआर ने कोई बेसिक एंजाइम बनाया होगा, गोल्गी एपरेटस को दिया होगा और गोल्गी एपरेटस ने उसको मॉडिफाई किया होगा, उसको एक्टिव किया होगा, उसको अच्छे तरीके से डेवलप किया होगा और फाइनली यहाँ से कोई बेसिकल अराइज हुआ होगा, वो बर्ड ऑफ हो गया यहाँ से और वो लेटर ऑन कन्वर्ट किसमें हो गया, लाइसोसोम में, जिसके अंदर बहुत सारे क्या थे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे जो कि एक्टिव थे. और ये एंजाइम कैसे बने, इसका मॉडिफिकेशन कहाँ हुआ, गोल्गी एपरेटस में, बट बने कहाँ पे, आरईआर में. तो आरईआर तो उसका बेसिक ओरिजिन है ना, तो प्रिकर्सर है, प्रिमिटिव चीज, प्रिमिटिव साइट जहाँ पे बनता है एंजाइम, प्रोटीन बन के एंजाइम में, एंजाइम बन गया प्रोटीन. प्रोटीन एंजाइम का नेचर क्या होता है, प्रोटीन. तो प्रोटीन कैसे बनते हैं, राइबोसोम्स. तो समझा आपको, अब इस पॉइंट को पढ़ो जरा, देखो क्या कह रहा है ये पॉइंट. आरईआर प्रोवाइड अ प्रिकर्सर एंजाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम या लाइसोसोमल एंजाइम को इन गोल्गी बॉडी. प्रोवाइड किसको कर रहे, गोल्गी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे, इन नहीं चाहिए था, टू गोल्गी बॉडी चाहिए था, provide to Golgi body enzyme, precursor enzyme to Golgi apparatus को, Golgi complex को, यही बात है, for formation of lysosome, ऐसे चाहिए था sentence थोड़ा. It provide a precursor enzyme to Golgi apparatus for formation of lysosome. Is this point clear? चलो next point. ये point मैंने सुबह ही बताया था कि it gives rise to the SER formation by loss of ribosome. देखो ये वाला पॉइंट क्लियर है कि ऑब्वियसली मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, तो वही तो प्रोटीन बनाएगा, वही तो प्रोटीन आगे एंजाइम में कन्वर्ट होगा. मींस इनिशियल स्टेज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टार्ट होती है, बनता तो यहाँ है, छोटा बड़ा प्रोसेसिंग भी होता है, बट मैक्सिमम प्रोसेसिंग, मैक्सिमम मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, आगे गोल्गी एपरेटस में. तो फिर आप कहोगे मैम यहाँ से यहाँ पे क्या उसने जंप किया क्या, नहीं उसने जंप नहीं किया, मैंने अभी तो आपको बताया था ना सुबह कि सिस्टर नहीं होती है, एक ट्यूब्यूल्स होते हैं और एक होते हैं वेसिकल, याद आ रहा हो तो. वेसिकल्स जो होते वो यहाँ से ऐसे टूट गए, बड ऑफ हो गए और धीरे धीरे ये ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स यहाँ पे आके फ्यूज हो गए और ये प्रोटीन, ये एंजाइम, एंजाइम जहां पे इसके अंदर था वो यहाँ पे इसके अंदर गोल्गी एपरेटस में चला गया,
ठीक है, और गोल्गी अपरेटस भी सोच रहा है कि हाँ तुम आए हो क्या, तुम्हें किस तरीके से चेंज करना है सो दैट कि आगे जाके तुम लाइसोसोमल एंजाइम की तरह बिहेव करो, तो वैसे मॉडिफिकेशन मैं तुम्हें करता हूँ, तुम जस्ट एक बेसिक प्रोडक्ट बन के आयो, मैं तुम्हें फिनिशिंग देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? चले, बिकॉज इस पॉइंट का काफी आगे आगे रोल आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वाया वेसिकल, वाया ट्रांसपोर्ट वेसिकल, क्या कहेंगे हम उसको, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, एक मिनट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन वाया ट्रांसपोर्ट वेसिकल किसमें जाते हैं, गोल्गी एपरेटस में कहो या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहो या गोल्गी बॉडी कहो, एक ही बात, ठीक है, और वहां से फिर वो लाइसोसोमल एंजाइम की तरह बिहेव कर सकते हैं, अदरवाइज वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जा सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस पे जा सकते हैं, अदरवाइज वो सिक्रीटरी वेसिकल्स, सिक्रीटरी प्रोटीन कहला सकते हैं। सिक्रीटरी प्रोटीन में सेल के बाहर आउटसाइड दी सेल सिक्रीट होना, ठीक है, ये समझा आपको, ट्रांसपोर्ट वेसिकल कह रहे इसको, और इसको हम कह रहे सिक्रीटरी वेसिकल, ये जो रहेंगे सिक्रीटरी वेसिकल्स रहेंगे, क्या रहेंगे, सिक्रीट कर रहे, सिक्रीट कर रहे, सिक्रीट अपने साइट पे पहुंचा रहे, हाँ तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वाले प्रोटीन हो गया, तुम यहाँ पे जाओगे, हाँ तुम्हें लाइसोसोमल एंजाइम के लिए बनाया है तो तुम यहाँ पे जाओगे, अरे तुम्हें तो सेल के बाहर जाना है तो चलो तुम बाहर सिक्रीट, दिस काइंड, तो हम ऐसे कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन का नेचर क्या होता है, सिक्रीटरी होता है, मींस आउटसाइड, मैक्सिमम उसका रोल आउटसाइड द सेल होता है, अदरवाइज लाइसोसोम, अदरवाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर, वो भी तो बाहर की तरफ में होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर, तो इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट या सिंथेसाइज सिक्रीटरी प्रोटीन, नॉट not any we can say that is intracellular protein, cell के अंदर के protein नहीं बना रहे, cell के बाहर जहाँ पे भी synthesis जरूरत है protein की वहाँ पे भेज रहा है, plasma membrane पे भेज रहा है और lysosome पे भेज रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं, ठीक, देखो ये point clear है, अब देखना जरा यहाँ पे, rough endoplasmic reticulum synthesizes a protein destined for secretion, यानी बाहर outside, ठीक है, आउटसाइड से, ठीक है, अदरवाइज लाइसोसोम और अदरवाइज और दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑन सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पॉइंट भी क्लियर होगा आई गेस, यस यस यस, हाँ एनीवन, क्लियर है, नहीं है तो वो भी बोलो, चलो जाने दो, हम चार क्लासेस यही पढ़ेंगे, बताना जरा, इज दिस पॉइंट क्लियर, सिर्फ मैंने दो ही बातें बताई कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने के बाद वो प्रोटीन आगे गोल्गी के पास जाएगा, गोल्गी में उसका फिनिशिंग होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक में बेसिक एंजाइम बना, बेसिक प्रोटीन बना, स्मूथ एंडोप्ला सॉरी गोल्गी एपरेटस के पास जाएगा तो वो क्या बनेगा, फिनिशिंग होगी उसकी, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, प्रोसेस प्रोटीन बनेगा और फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पे जाएगा, जिस जहां जहां पे उसको जाना है, सिक्रेटरी प्रोटीन होंगे ये, सिक्रेटरी प्रोटीन, ठीक, दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि प्रिकर्सर एंजाइम फॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली जो शुरुआत करेगा वो प्रिमिटिव रहेगा, जो प्रिकर्सर रहेगा उसके आगे फिनिशिंग होगी, तो इसलिए उसका प्रिकर्सर हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है, अब कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रिकर्सर एंजाइम बनाता है, ठीक है, अब उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एनी वन यू जस्ट टेल मी कि ठीक है यस, चलो बंद करना है क्लास, यस मैम, ठीक है, चलो ओके, देखो तीसरी प्रोसेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस होती है, ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस मींस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बनना, ग्लाइकोप्रोटीन बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोक्साइलेशन, ऑब्वियसली ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है शुगर, जब प्रोटीन के साथ अटैच्ड होगा तो उसको कहेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन, ऑब्वियसली, और उस प्रोसेस को कहेंगे हम ग्लाइकोक्साइलेशन, ठीक, अब अगर मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं,
अगर मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन तो बन गया हमारा, जो भी हमारा प्रोटीन है वो बन गया। प्रोटीन बनने के बाद प्रोसेस होती है कौन सी, ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस। मींस अब इस प्रोटीन के ऊपर, इस प्रोटीन के साथ कोई शुगर आके अटैच्ड होगा, अटैच्ड विद प्रोटीन, उस प्रोसेस को ही कहते हैं ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये शुगर अटैच होने की जरूरत क्या है, ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस करने की जरूरत क्या है, डायरेक्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन बना है उसको वेसिकल में ऐड कर देते हैं और इस वेसिकल को गोल्गी के पास भेज देते हैं और गोल्गी अपना जगह पे भेज देगा। ऐसा करना है नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इसके पहले, प्रोटीन बनने के बाद और प्रोटीन भेजने के पहले, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। आई एम सेइंग ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी कि जो भी आपका प्रोटीन है उस प्रोटीन के साथ कोई शुगर मॉलिक्यूल आके अटैच्ड हो जाता है। इसलिए होता है, इसके भी तीन फेट है क्यों ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग, प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग होने के लिए उसको कोई सपोर्ट चाहिए सो दैट कि वो प्रॉपर फोल्ड हो। क्यों फोल्डिंग होना है वो भी मैं बताती हूँ। प्रोटीन, सेकेंडली पहले तीन फंक्शंस जान लेते हैं, प्रोटीन को स्टेबिलाइज करने के लिए और सेल टू सेल अडेजन के लिए। ये तीन रोल है किसके, ग्लाइकोक्साइलेशन पे। देखो इस पे हर बार क्वेश्चन आए हैं, ये तीन रोल है किसके, ग्लाइकोक्साइलेशन, प्रॉपर फोल्डिंग। ऑब्वियसली कोई प्रोटीन अगर ऐसे रहेगा तो ये प्रोटीन आगे जाके एंजाइम करके एक्टिविटी कर सकता है क्या, नहीं करेगा। आप कहोगे मैम क्यों नहीं, प्रोटीन को फोल्ड होना जरूरी है। जब प्रोटीन अच्छे से फोल्ड होगा तो ही तो उसके ऊपर पर्टिकुलर एक साइट बनेगी जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, और ऐसी कोई साइट, ये प्रोटीन फाइनली एंजाइम करके एक्ट करेगा, तो इसमें मैं एंजाइम लिख देती हूँ। अब फाइनली अगर वो एंजाइम करके एक्ट करेगा तो उसके ऊपर एक्टिव साइट फॉर्म होनी चाहिए, और एक्टिव साइट कब फॉर्म होगी, जब कोई डेंसली पैक कोई प्रोटीन एक क्लेफ्ट बनाएगा। हाँ, एक एक्टिव साइट जनरेट होती है। अब अगर एक्टिव साइट जनरेट नहीं होगी तो कोई सबस्ट्रेट आके बाइंड हो पाएगा क्या? अगर सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं होगा तो कोई प्रोडक्ट बनेगा क्या? प्रोडक्ट बनेगा नहीं। और एंजाइम इज व्हाट, एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मीन्स जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के रेट को बढ़ाता है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड भी तो होना चाहिए, और प्राइमरी सिंपल प्रोटीन पे, कोई भी सिंपल टाइप ऑफ प्रोटीन पे, ऐसे सिंपल जो जिसका सिंगल थ्रेड लाइक प्रोटीन्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, पतले होते हैं, उन पे कोई एक्टिव साइट फॉर्म नहीं हो पाती। और अगर एक्टिव साइट फॉर्म नहीं होगी तो कोई सबस्ट्रेट वहां पे आके बाइंड नहीं हो पाएगा, नॉट बाइंड। बट जैसे ही प्रॉपर फोल्डिंग होगी, एक्टिव साइट फॉर्म होगी, सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा और सबस्ट्रेट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जिस चीज के लिए एंजाइम बना है वो अपना काम कब कर पाता है, जब वो फोल्ड होगा, और वो फोल्डिंग होने के लिए उसको कोई एक सपोर्ट चाहिए, और वो कौन देता है, आपको शुगर देता है। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। समझा आपको, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में क्यों कन्वर्ट किया? प्रोटीन को हमने ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट किया क्योंकि शुगर उसके साथ अटैच करना जरूरी था, क्योंकि उसको प्रॉपर फोल्ड करना था। सेकेंड, स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली जो शुगर होता है वो एक स्टेबिलिटी, फर्मनेस लाता है। याद है कुछ सेलुलोज की बात की थी हमने, प्लांट के सेल वॉल में एक रिजिडिटी, फर्मनेस लाता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई सपोर्ट अच्छा रहेगा तो उसके ऊपर
उसके ऊपर प्रोटीन अच्छे से स्टेबल फॉर्म में रहेगा ना, अदरवाइज बेचारा ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। सही से उसको एक स्टेबिलिटी के लिए कोई सबस्ट्रेटम चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मीन्स आपको शुगर जो है वो स्टेबिलिटी देता है प्रोटीन को। अब सेकेंडली जगह ही नहीं बचती मेरे। सेकेंडली सेल के साथ सेल का इंटरेक्शन। ऑब्वियसली आरईआर ऐसे प्रोटीन बना रहा है जो कि सिक्रेटरी प्रोटीन है, जो कि सेल के बाहर भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली एक सेल से दूसरे सेल के बाहर जाएंगे तो जनरली यहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ। उसका साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? साइट ऑफ सिंथेसिस ये है, बट उसका साइट ऑफ एक्शन ये है, यहाँ पे जाके वो एक्ट करेगा। यस, यहाँ पे जाके एक्ट करेगा। तो ये प्रोटीन के ऊपर जो आपका ये जो शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है वो बाहर निकलेगा और ये शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे सेल के ऊपर जो भी रिसेप्टर रहेंगे दूसरे सेल के ऊपर वहां पे जाके अटैच्ड होगा। एक सेल को दूसरे सेल से अडेजन मीन्स अटैचमेंट के लिए भी किसका रोल है? शुगर मॉलिक्यूल का रोल है। शुगर मॉलिक्यूल कब ऐड होंगे? जब प्रोसेस कौन सी होगी? ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस। यहाँ पे जाके वो अटैच्ड होंगे और फिर फाइनली सिग्नल अंदर जाएंगे और कहेंगे कि हाँ तुम्हें जो प्रोटीन चाहिए था वो अपने साइट ऑफ सिंथेसिस से आ गया है, चलो उसको अंदर लो। प्रोटीन अंदर जाएगा और अपना काम करेगा जिस काम के लिए वो अंदर आया है, दूसरे सेल के पास। ये सेल नंबर 2 है और ये सेल नंबर 1 है। एक सेल को दूसरे सेल से अडेज करने के लिए, अटैच करने के लिए, कोई कम्युनिकेशन कैच करने के लिए भी किसका रोल होता है? शुगर मॉलिक्यूल का रोल होता है, ठीक है। ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस क्यों जरूरी है समझा? सिर्फ पॉइंट इतना याद रखो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, कंप्लीट नहीं होती, सिर्फ स्टार्ट होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। अब देखो ये इतना सारा जो हमने पढ़ा है उसको एक बार पढ़ लो। देखो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोप्रोटीन को फॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली क्यों करेंगे? फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोक्साइलेशन। लिंक करेंगे, शुगर मॉलिक्यूल से अटैच होंगे, लिंक होंगे प्रोटीन और उसको ही हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और वो प्रोसेस स्टार्ट किसमें होगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मैंने कहा था स्टार्ट होती है, कंप्लीट कहा होगी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होती है जिसको, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब थोड़े देर बाद पूछती हूँ फिर से, ठीक है। अब आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम प्रोटीन शुगर के साथ अटैच तो हो जाएगा बट कौन से प्रोटीन? जो बना है अमीनो एसिड के पास, अमीनो एसिड से बना है, तो कोई भी एक अमीनो एसिड के पास अमीनो एसिड से बना है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स भी तो होंगे, तो अमीनो एसिड का कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन प्रोटीन के, सॉरी शुगर के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। कोई एक पोर्शन शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा और इन दिस वे शुगर मॉलिक्यूल उस प्रोटीन के साथ अटैच होगा। अब फिर से एक कॉम्प्लेक्सिटी, कौन सा एलिमेंट प्रोटीन का शुगर के साथ अटैच्ड होगा और ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस होगी, उस बेसिस पे भी ग्लाइकोक्साइलेशन दो इसमें डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है एन ग्लाइकोक्साइलेशन, जो कि आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और एक होता है ओ ग्लाइकोक्साइलेशन, जो आपका गोल्गी एपरेटस में होता है। इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ, इसको देख कुछ नहीं है, इज अ वेरी सिंपल वन। कि ऑब्वियसली प्रोटीन को तो शुगर के साथ बाइंड होना है, तो प्रोटीन किससे बने? अमीनो एसिड से। तो फटाफट अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना लो, चलो बनाओ जरा NH2HCOOH। अब ये जो N है ना, N मॉलिक्यूल जो है, इस N मॉलिक्यूल के साथ जाके आपका शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, इस अमीन ग्रुप के साथ। अमीन है ना, दिस इज अमीन ग्रुप, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, दिस इज अमीन ग्रुप।
इस अमीन ग्रुप के साथ जाके शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है और फाइनली आपका ग्लाइकोप्रोटीन बनता है और उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोक्सिलेशन प्रोसेस कहते हैं। बट ये अमीन ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ है तो इसको हम कहते हैं एन ग्लाइकोक्सिलेशन। सिंपल सिंपल। ऑब्वियसली यहाँ पे भी तो कोई अमीन ग्रुप होगा, ये भी तो अमीनो एसिड का एक चेन है ना, यहाँ पे भी तो अमीन ग्रुप होगा। यस यहाँ पे भी तो इस अमीन ग्रुप के साथ क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ जाके शुगर अटैच होगा, बॉन्ड बनाए, ठीक, और उस प्रोसेस को एन ग्लाइकोक्सिलेशन कहते हैं, एन ग्लाइकोक्सिलेशन। क्लियर? अभी हमने ये पूरा पढ़ लिया है, सलोनी एंटर नो, अभी हमने ये पूरा पढ़ लिया, फंक्शंस ये भी पढ़ लिया, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनता है, आगे जाके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने राइबोसोम को लूज कर देते हैं और वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमने सुबह पढ़ लिया है। अब ये वाली बात, ये भी बात मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि प्रोटीन जो है फॉर्म ऑन राइबोसोम पास इनटू द ईआर ल्यूमेन वेयर इट गेट मॉडिफाइड। फॉर एग्जाम्पल दे मे बी अरे यार ये नहीं चाहिए, दे मे बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ चलो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं फिर भी बता देती हूँ। देखो ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ यहां से सिस्टर्नी, मैंने क्या कहा था आपको, एक मिनट, देखो यहां पे आपके गोल्गी बॉडीज होते, दीज आर योर गोल्गी बॉडीज, दीज आर योर गोल्गी बॉडीज, ठीक है। अब जो भी प्रिकर्सर प्रोटीन, प्रिकर्सर एंजाइम यहाँ पे बना, वो फाइनली वेसिकल में फ्यूज्ड हुआ, वो फाइनली क्या हुआ, वेसिकल में फ्यूज्ड हुआ। यस, वेसिकल में फ्यूज हुआ और ये वेसिकल यहाँ पे जाके मर्ज हो गया, इस वेसिकल को कहते हैं हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल, इस वेसिकल को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल आगे इस प्रोटीन को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ये है आपकी गोल्गी बॉडी, और जब वो प्रोसेस हो जाएगा, फाइनल फिनिश, फाइनल प्रोसेस्ड प्रोटीन बन जाएगा, फाइनली ये जाएगा एक तो लाइसोसोम के पास, अगर लाइसोसोम के पास जाना हो तो उसके पास सिग्नल होते हैं, हर कहीं जाने के लिए उस प्रोटीन के पास अपने पहले से सिग्नल होते हैं, बचपन से ही जब वो पैदा होता है तो उसके पास सिग्नल लेके पैदा होता है, छोटा सा स्ट्रैंड एक सिग्नल होता है, वो सिग्नल बताता है, एक वो आईडी होता है उसका कि हाँ वो लाइसोसोम के प्रोटीन में कन्वर्ट होगा आगे जाके, वही सिग्नल बताता है कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर जाना है, वही सिग्नल बताता है कि इसको बाहर सिक्रेट होना है, एक सिग्नल होते, सिग्नल किसके, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स का एक पर्टिकुलर सिक्वेंस होता है जिसको हम उसका आईडी कार्ड कहते हैं, वो क्या कर लेंगे यहाँ पे सिग्नलाइज कर लेंगे और उस बेसिस पे जिसको लाइसोसोम मल एंजाइम में बनना है तो लाइसोसोम की तरफ जाएंगे, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे जाना है वहां पे जाएंगे, जिसको सिक्रेट होना है बाहर, वो सिक्रेटरी वेसिकल के जरिए बाहर सिक्रेट होंगे, ठीक है। अब देखना जरा, ये तो हो गया आपका रफ, जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं उनकी बात। अब मुझे बताना यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे भी तो आपका प्रोटीन है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी तो आपके राइबोसोम थे, दीज आर व्हाट, राइबोसोम, वो राइबोसोम ने कभी ना कहीं ना कहीं प्रोटीन तो बनाया होगा, हाँ बनाया होगा, फिर इसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, इसका भी तो प्रोसेसिंग होना जरूरी है, तो ये प्रोसेसिंग भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है, प्रोसेसिंग होता है, फॉर्म नहीं हो रहा है, प्रोसेसिंग होना मीन्स पैकेजिंग होना,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है वो प्रोसेस होने के लिए शुरुआत में, बाद में वो गोल्गी के पास जाता है, गोल्गी के पास फाइनल प्रोसेस हो जाता है, उसके पास ऐसे कोई सिग्नल होते हैं कि उस सिग्नल से वो पहचाना जाता है कि हाँ ये तो बाहर नहीं जाना है, इसको इसको तो जाना है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, इसको तो जाना है न्यूक्लियस की तरफ, इसको तो जाना है क्लोरोप्लास्ट की तरफ, तो उस बेसिस पे वो वहां पे जाएंगे। मीन्स आपको उस बेसिस पे वो जाएंगे, मीन्स आपको समझा, अगर फ्री राइबोसोम है तो सेल के अंदर के ऑर्गेनलिस के पास जाएंगे, बट जाने के पहले उनको प्रोसेस होना जरूरी है। तो प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, ग्लाइकोक्सिलेशन प्रोसेस शुरुआत यहाँ पे होती है तो ईआर में भी आएंगे वो, और कंप्लीट यहाँ पे होती है तो गोल्गी में भी जाएंगे। अब जब गोल्गी से फाइनल जो वेसिकल बाहर निकलेगा, वो वेसिकल बाहर बाहर उस प्रोटीन को ट्रेवल नहीं कराएगा, क्यों? क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम से बने हुए प्रोटीन नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम था वहां के प्रोटीन है, और वो आए थे ईआर के पास हेल्प कराने के लिए कि मुझे पैकेज करना है, मुझे थोड़ा सा एडवांस बना दो, मुझे थोड़ा मॉडिफाई कर दो, मेरी थोड़ी फिनिशिंग कर। तो ये जाएंगे वापस अपने अलग अलग सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स के पास, ठीक है? पढ़ो जरा, अब देखो, प्रोटीन फॉर्म ऑन द राइबोसोम पास इनटू द ईआर ल्यूमेन व्हेन दे गेट मॉडिफाइड फॉर्म ऑन द प्रोसीन, प्रोटीन फॉर्म ऑन फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम के जो प्रोटीन फॉर्म होते हैं वो फिर से पास होते हैं ईआर के ल्यूमेन में, वहां पे वो मॉडिफाई होते, वहां पे वो बनते नहीं है, ठीक है? कौन से फ्री फ्री राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स, समझा? मीन्स कहीं पे भी कुछ भी कर लो, प्रोटीन बना लो, लगे बाहर बना लो, लगे अंदर बना लो, ईआर के जाना प्रोसेसिंग के लिए ईआर और गोल्गी के पास ही है, सिर्फ उनके पास सिग्नल ऐसे रहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड है तो वैसे ही पता रहेगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर जो राइबोसोम है उनसे बने हुए हैं, तो वो बाहर जाएंगे, नहीं तो लाइसोसोम के पास जाएंगे, नहीं तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएंगे। बट अगर वो फॉर्म नहीं हुए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सिर्फ वो आए थे अंदर, फॉर्म तो वो साइटोप्लाज्म में हुए थे, तो वो भी तो आ सकते हैं अपने फिनिशिंग के लिए, वो भी तो अपने प्रोसेसिंग के लिए आ सकते हैं, बट वो फिर से अंदर जाएंगे। मीन्स ऐसे कोई सिक्रेटरी वेसिकल जो बाहर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे अंदर, उसको सिक्रेटरी वेसिकल नहीं कहेंगे हम, उसको नॉर्मल वेसिकल कहेंगे, याद रखना, उसको हम नॉर्मल वेसिकल कहेंगे। वो अंदर जाएंगे, अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स के पास जाएंगे, जहां जहां पे वैक्यूल्स है, नहीं वैक्यूल्स नहीं, वैक्यूल्स नहीं, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, इनके पास जाएंगे वो, क्योंकि वो फ्री राइबोसोम से बने हैं, वो सेल के अंदर उनको एब्जॉर्ब होना है, सेल के बाहर नहीं जाना है। अगर बाहर जाना होता तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते, वो बने तो साइटोप्लाज्म में है ना, भले उन्होंने हेल्प लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, बट उनका साइट ऑफ सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, वो उनका साइट ऑफ प्रोसेसिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये समझा क्या आपको? ये पूरा बेस है, दिस इज अ कंप्लीट बेस, इसको कहते हैं पैकेजिंग, यानी बाहर फ्री राइबोसोम से बने हुए जो प्रोटीन है, जो साइटोसोलिक प्रोटीन है या साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है, उनको क्या करता है ये, पैकेज करता है। कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मीन्स खुद में लेता है, लेके खुद में प्रोसेस कर, खुद वालों को भी पहचानता है, बाहर वालों को भी पहचानता है, दोनों के साथ इक्वेलिटी रखता है, दोनों को प्रोसेस करने का काम करता है। सिर्फ उनको पता है मेरे वाले तो अब्रॉड जाएंगे, और उनको पता है ये तो लोकल लोग हैं, ये तो लोकल लोग हैं, साइटोप्लाज्म से बने, ये अपने इंडिया में ही रहेंगे। समझा क्या? समझा क्या? अब ये फटाफट देख लेते हैं ऑकरेंस ऑफ आरईआर। आरईआर ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ऑब्वियसली कहाँ पाए जाएंगे, जहां पे एंजाइम्स ज्यादा बनेंगे, जहां पे हॉर्मोन्स ज्यादा बनेंगे, क्योंकि हॉर्मोन्स और एंजाइम किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। तो आरईआर कहाँ पे सबसे अच्छा हाईली डेवलप्ड पाया जाएगा? प्लाज्मा सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है। अब होते हैं आपके गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स पता है आपको, ऐसे सेल्स की जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, जो किसी चीज को सिक्रेट करते हैं। ऑब्वियसली कोई एंजाइम को सिक्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रांग होना चाहिए, हाईली एडवांस होना चाहिए, हाईली डेवलप्ड होना चाहिए। लीवर, लीवर के अंदर भी बहुत ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप फॉर्म में होते हैं।
पैंक्रियाटिक सेल आपको पता है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, लीवर भी तो लीवर में भी तो बहुत सारी चीजें होती रहती है जिसकी वजह से उनको वहां पे एंजाइम्स की बहुत जरूरत होती है, लीवर में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है याद रखो, यानी कार्बोहाइड्रेट का यानी फैट्स का शुगर का सबका मेटाबॉलिज्म होना में सबको सबको यूटिलाइज करने के लिए बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए उसको मेटाबोलाइज करना मीन्स अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना सब कुछ लीवर के पास होगा, लीवर में होगा। तो लीवर में होगा तो मुझे बताना कि लीवर को बहुत ज्यादा एंजाइम्स की जरूरत है, तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर का भी काफी हाईली डेवलप्ड होता है। फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू, दो सेल के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स आपको फटाफट ज्वाइन करने में फटाफट होता है आजकल ज्वाइनिंग, हाँ 5 मिनट के बाद में किसी का इंटरनेट ठीक है, इसको मैं बताती हूँ, इसके बाद आई गेस खत्म हो जाए, स्मूथ स्टार्ट होगा, स्मूथ स्टार्ट।